नमस्कार, मैं हेमलता और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 18 तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। वहीं कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि अब तक दस्तावेजों की जांच के लिए कितना समय लिया गया। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई और ईडी का दावा है कि मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया था, जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ी धनराशि रिश्वत के तौर पर मिली। वहीं मनीष सिसोदिया ने बीते 2 अप्रैल को अदालत से कहा था कि उनको जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ जांच पूरी हो गई है। सहारनपुर में बोले पीएम मोदी, यूपी में फिर रिलीज हुई दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में आयोजित रैली में कहा कि उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो गई थी, उसे फिर से रिलीज किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो गई है। अब जो कांग्रेस बची है, उसके पास न देश हित में नीतियां हैं और न ही राष्ट्र निर्माण का विजन। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह से मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में लगे हैं, जबकि हमारे विरोधी सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विपक्षी गठबंधन भी कमीशन के लिए है, जबकि एनडीए सरकार मिशन के लिए है। कांग्रेस ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, गोवा के सांसद का टिकट कटा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इससे पूर्व पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी थी। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार, ग्वालियर से प्रवीण पाठक और खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया है। इसके साथ ही दादरा और नगर हवेली से अजीत रामजी भाई महाला कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। पश्चिम बंगाल में अब एनआईए टीम पर हमला, टीएमसी नेता के घर जांच के लिए पहुंचे थे अधिकारी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम पर हमला किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर एनआईए की टीम तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए पहुंची थी। हमलावरों ने एनआईए टीम के वाहन को निशाना बनाया और खिड़कियां तोड़ दी। एनआईए ने कहा कि पूछताछ के दौरान अधिकारियों को निशाना बनाया गया। वहीं बताया जाता है कि पुलिस की ओर से सुरक्षा दिए जाने से पहले ही एनआईए के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में 2022 में विस्फोट हुआ था, जिसकी जांच एएनआईए कर रही है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं से पूछताछ की जानी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विदेश में प्रदर्शन, कल रिहाई की करेंगे मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कल 7 से अधिक देशों में प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि शामिल हैं। इन देशों में आम आदमी पार्टी के समर्थक एकत्रित होंगे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विरोध दर्ज कराएंगे। विदेश में रहने वाले आम आदमी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए पोस्टर, बैनर आदि तैयार कर लिए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विदेश में रहने वाले भारतीयों की बैठक हुई है और उन्होंने मुख्यमंत्री की रिहाई की मांग की है। यूक्रेन ने रूस पर किया सबसे बड़ा हवाई हमला, 53 ड्रोन से रोस्तोव को बनाया निशाना।
युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए रूसी सीमा के रोस्तोव क्षेत्र को 53 ड्रोन से निशाना बनाया है। हालांकि रूसी सेना ने दावा किया है कि इनमें से 44 ड्रोन को मोरोजोस्की में मार गिराया गया है। रोस्तोव के गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन के हमले में एक पावर सबस्टेशन को क्षति पहुंची है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 9 अन्य ड्रोन को सीमावर्ती क्षेत्र कुसुर्क, बेलगोरोद, क्रासनोडार और सेराटोव में इंटरसेप्ट कर लिया गया। वहीं रूसी बैलिस्टिक मिसाइल से बचने के लिए नाटो के सहयोगी देश यूक्रेन को और वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने पर सहमत हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यह तब और जरूरी हो जाता है जब चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश रूस का समर्थन कर रहे हैं। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने खरीदा सुशांत सिंह राजपूत का घर, बीते साल लग रही थी अटकलें। बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा पिछले साल जब दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई स्थित अपार्टमेंट देखने गई थी, तभी से घर खरीदने को लेकर अटकलें शुरू हो गई थी। उस समय अदा शर्मा ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब इस मामले में बयान दिया है। हालांकि अदा शर्मा ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि वह उस फ्लैट में रह रही हैं या नहीं, लेकिन कहा कि उनके दिल में सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत सम्मान है। अदा शर्मा ने कहा कि वह एक ऐसे अभिनेता थे जिनका वह बहुत सम्मान करती हैं। सुशांत सिंह राजपूत का 4BHK फ्लैट कार्टर रोड मुंबई वेस्ट के मॉन्ट ब्लैक अपार्टमेंट में है। इसी फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।